डू जनरेशन है। हे चैनल वेलकम टू माय गाइस। हे गाइस चैनल टू माय वेलकम। हेलो जोहर है, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज मैं ब्लॉगिंग नहीं करूंगा, आज मैं अपने छोटे भगीना को दे दे रहा हूं, वो ब्लॉगिंग करेगा। और हम लोग आज जा रहे हैं रांची, सभी को ही कुछ सामान वगैरह खरीदना है। मैं देता हूं कैमरा ढुलू को। हे गाइस व्हाट्सअप, आज के चैनल पे स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन में कर दीजिएगा ऑल सेट। और आज हम लोग जाने वाले हैं रांची, इधर मेरी नानी है, हाय, घर भैया भी है, हम लोग सब लोग जा रहे हैं, पांच जने पूरे। और अभी हम लोग निकलेंगे रांची के लिए, बस अभी और पता नहीं कब पहुंचेंगे। और अभी हम लोग तो खाना भी नहीं खा है, होटल में जाके खा लेंगे। अभी आ रहे हैं सारे लोग, गाड़ी निकाल रहे हैं। हेलो गाइस, हम अभिनव है, ये मेरी नानी है और ये मेरी मम्मी है और ये सात मामा है और ये मेरा भाई है। गाड़ी में तेल खत्म हो चुका है तो देखना पड़ेगा कहीं पर पेट्रोल पंप मिले तो हम भरवा सकते हैं पेट्रोल। फाइनली हम लोग को एक पेट्रोल पंप मिल चुका है तो हम वहीं जा रहे हैं पेट्रोल भराने गाइस। गाइस हम लोग कल से ही प्लानिंग कर रहे हैं रांची जाने की, पर मेरे मामा आज थोड़ा लेट उठे तो हम लोग कम से कम 8 बजे आसपास निकले होंगे। गाइस हम लोग वीकेंड में आज पूरा एंजॉय करेंगे। अच्छा मेरे मामा, ए फ्यू मोमेंट्स, सावधानी से चलाइएगा, सेफ एंड साउंड। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारी टर्निंग है, फिर इधर मौसम भी अच्छा है और यहाँ पर एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, देख सकते हैं। और लगभग अभी रांची 118 किलोमीटर दूर है। अभी हम लोग कोलीवीरा घाटी का एस मोड पहुँचने वाले हैं गाइस। यहाँ पर देखिए गाड़ी खराब हो गई गाइस एकदम, और यहाँ पर अगर स्पीड चलाए तो दुर्घटना चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए धीरे ही चलाए आप यहाँ पर। और हाँ, पिछले बार मैं मामा प्रॉमिस किए थे देंगे सख्ती पर, वो नहीं लिए, पता नहीं क्यों, मैं झूठ बोल रहे थे। चीटिंग करता है तू आज, लेकिन वो रांची ले जा रहे हैं। क्या हुआ है, पहले बादल था अभी भी बादल है, वहाँ पर गाढ़ा नाला लिखा हुआ है। और ये देखिए कितना खतरनाक है, देखिए गाइस पहुँच गए। ये टर्निंग सब में बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं गाइस, सावधानी बरतिएगा। ये ट्रक फुल स्पीड में, और ये गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग कोलीवीरा पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर छोटा सा गुमटी है इधर, आपको दिख नहीं होगा, थोड़ा सामने जाएंगे तो दिख नहीं, देखिए दिख गया होगा आपको, पीला कलर का प्लास्टिक था ऊपर लगा। फिर हम लोग अभी थोड़ा देरी में कोलीवीरा पहुंचने वाले हैं। तो मम्मी बताओ कैसा लग रहा है रांची जा रहे हैं बहुत दिनों के बाद, और आप बताइए नानी माँ। बहुत अच्छा लग रहा है, वीकेंड में हम लोग सब साथ में घूमने जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग अभी कोलीवीरा एंटर करने वाले हैं, मतलब देख सकते हैं मंदिर है,
ऊपर में, पहाड़ के ऊपर। मेरा कान आप इधर मुड़िएगा इस साइड तो पानी चल चाहिएगा। गाइस अभी हम लोग आधा रास्ता में है और मौसम बारिश करने जैसा हो रहा है, पूरा बादल हो गया इधर। तो हम लोग अभी केंद्रित केदा पहुंचने वाले हैं और इधर भी छोटा सा ढाबा है। फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मस्जिद है जिसको मेरा भाई ताजमहल बोलता था। मेरा पीछे रख चुकी है, पीछे बैठा मेरा भाई, पीछे है तुम। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं कौनवीर, इधर देख सकते हैं इधर खेत है हरा भरा। गाइस सामने में पेड़ गिर चुका है, पता नहीं काटा गया है फिर गिरा है, सामने जाके पता चलेगा। मेरे ख्याल से सब पेड़ गिरा है। ये स्कूल है गाइस। तो गाइस अभी हम लोग कौनवीर पहुंच चुके हैं और यहाँ बहुत सारे स्कूल है। तो हमारा छोटा भगीना जो है पीछे बैठा हुआ, दिखा दो एक बार, जिसको हम लोग यहीं पे एडमिशन करवाने के लिए हम लोग सोचे थे। क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो, घर में तो पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, बहुत बदमाशी करता है, तो उसे हम लोग लेके आए हुए थे। इधर आगे देखिए, आगे में एक लेफ्ट साइड में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आपको दिखा रहे हैं ये वाला मोटो। तो वहीं पे लाने वाले थे लेकिन बाद में बहुत दया आया, बेचारा टाइप का रो रहा था, नहीं जाएंगे तो उसको फिर बाद में छोड़ दिए। तो अगर फिर से अगर वो ऐसे बदमाशी करेगा तो उसको फिर से यहीं पे ले आएंगे। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे, और हॉस्टल में डाल देंगे ये कौनवीर वाले स्कूल में। लेफ्ट वाला जाता है पालकोट इधर से, और आगे हम लोग पहुँच रहे हैं नदी, और बरसात में उसका पानी का लेवल पूरा ऊपर तक टच कर जाता है कभी कभी तो। और यहाँ पर पथरीला नदी है, देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा गाइस। तो अब हम लोग पहुँच रहे हैं बसिया ब्लॉक, और ये नया ब्लॉक उधर आपको दिख रहा होगा उधर दूर में थोड़ा। और यहाँ पर ये चेक पोस्ट है, शीशे ही लिखा हुआ है गाइस, देख सकते हैं इधर रास्ता इधर जाता है ये रास्ता। गाइस बहुत सारा ढाबा है इस दिन में, करिएगा राशि यहाँ से 95 किलोमीटर। यहाँ पर एक बहुत तीखी मोड़ है, इधर से ऐसे मोड़ दे हम लोग फिर उधर से घूमते हैं बाहर जाते हैं। गाइस ये रोड ये वाला ये है, ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन। राइपर ब्लॉगर है गजब बेइज्जती है, जो कि नाच रहा है म्यूजिक पे, रैपिंग कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कैमरा सेट कर रहा है, रास्ते में पकड़ चुके हैं। आगे देख सकते हैं आप लोग रोलर आ रहा है, फुल स्पीड में 100 की स्पीड में लग रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें,
लाइक कमेंट शेयर सब कर दीजिए दबा के। तो गाइस देख सकते हैं ये नदी हम लोग पहुंच गए और उधर रेलवे लाइन है, ट्रेन आती जाती है उधर से, कारू नदी नाम है इसका, देख सकते हैं आप। यहाँ से रास्ता जाता है इधर से, जा रही है गुड्स ट्रेन और अब इसके नीचे से पार होंगे। उल्टा ट्रेन जा रहा है, उल्टा ट्रेन जा रहा है यहाँ का। गाइस हम लोग अभी यहाँ पर खुपड़ी लेने जा रहे हैं मेरी नानी के साथ चिड़ियाघर में। हम लोग खुपड़ी नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि क्यों क्या हुई ये सब बिक चुका था, तो हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं। 20 minutes later खाना एकदम स्वादिष्ट था। हम लोग फिर से रांची के लिए निकल चुके हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लोधमा जंगल, देख सकते हैं बीच में रोड और दोनों तरफ जंगल। 12 बज चुका है, राइट साइड में सरना स्थल है ये देखिए। हम लोग पहुंच गए हैं रांची, एंटर करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर गोल चक्कर पहुँच चुके हैं, JSCA क्रिकेट स्टेडियम उधर जाता है। और हम लोग को लगा था रांची में गर्मी होगा पर यहाँ पर तो ठंडा लग रहा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ऐसे चलाए हो गाड़ी का ठंडा नहीं लगेगा, बहुत तेज हो रहा है बहुत। इधर देख सकते हैं इधर जो ये शालीमार बाजार लगता है जगह। A few moments later. तो गाइस हम लोग अभी रांची का बड़ा तालाब पहुंच गए। A few inches later. अभी मम्मी नानी और मेरा मामा लोग पहुंच गया है दुकान, ये देख सकते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रांची और कुछ सामान वगैरह लेना था घर के लिए, फर्निशिंग के लिए, तो हम लोग ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं अंदर में ढोलू बैठा हुआ है और ये अभिनव जो कि रास्ता पर ब्लॉगिंग करते हुए आया है और इतना ब्लॉगिंग किया है कि देखते हैं एडिटिंग के बाद पता चलेगा कितना ब्लॉगिंग किया है। मच 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 लेटर वो शॉपिंग की, आज रांची में ही रात हो गया तो अभी हम लोग निकल रहे हैं रात में। देखिए आगे सिमडेगा के लिए निकल रहे हैं, अभी सामने ट्रैफिक हो गया है तो देख सकते हैं। पीछे नानी लोग हैं कुछ फनी वीडियो देखती है साल से, तो भाई चलिए आगे तक पूरी भीड़ हो चुकी है। ये लोग जा ही रहे हैं रास्ते में, रांची मार्केट है सामने, मतलब नानी लोग शॉपिंग कर रहे हैं वो देरी कर दी थे, डेली मार्केट क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। लग रही थी तो हम लोग जा रहे हैं अभी होटल रांची का लेफ्ट साइड में है, यही लंच करेंगे रात में। गाड़ी से उतर रहे हैं, ठंड है जगह, चढ़ लो झंझट चढ़ लो तेजी ना चढ़ लो ऊपर। फाइनली कुछ ज़्यादा प्राइवेट ही जगह है ऐसे लग रहा है हम लोग। कौन बेंच बैठे, ये बेंच में बैठते हैं हम लोग, अरे इसी में वो ठंडा ही चाहिए, हम जा रहे हैं सामने साइड बैठेंगे अभी। और सब वेट कर रहे हैं खाने का, ऑर्डर दे दिया बस। क्या क्या ऑर्डर किया है? मेरा तो नान और पनीर है और नानी का स्टफ कुलचा और भैया का चिकन बिरयानी है। अभी पहले पहले प्याज को खाना है, स्टार्टर में हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। You serious? Are you serious?
तो अभी बज रहे हैं 8 और हम लोग को निकलना है चुंडे का। और भैया ने हमारा बहुत अच्छा सेवा किया और हमने बहुत अच्छा खाना भी खाया इनके यहाँ से। तो भैया आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव? हाँ। तो भैया आपका नाम है पप्पू यादव, अगर आप लोग कभी होटल आइएगा तो पप्पू यादव भैया से जरूर मिलिएगा। और ये यहाँ पे सुबह से रात तक जाते थे भैया। और ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर आइएगा होटल और भैया से जरूर भेंट करिएगा। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, हम लोग करते हैं भैया से अलविदा, फिर मुलाकात होगी भैया से। ठीक है दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं अब सिमडे का, और कहीं नहीं रुकना है बीच में, डायरेक्ट हम लोग को सिमडे का में स्टॉप करना है। देखिए होटल से भी हम निकलने वाले हैं, मेरे मामा भी बैठ चुके हैं और हम लोग अभी सिमडेगा के लिए निकलने वाले हैं। तो गाइस अभी हम लोग बेसा चौक पहुंच गए हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं 8:30 और हम लोग का लेट हो जाएगा सिमडेगा पहुंचते पहुंचते, लगभग 10 से 11 बज जाएगा। तो लोग शॉर्टकट ले रहे हैं, जैसे हम लोग गोल चक्कर निकल रहे हैं, गोल चक्कर से कर्रा निकलेंगे और फिर कर्रा से तोरपा, तोरपा होते हुए सिमडेगा। तो गाइस अभी रात का 9:30 बज रहा है और हम लोग सुनसान सड़क पे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं अच्छे से हम लोग सिमडेगा पहुँचेंगे। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं तोरपा, हमारे रेस्टोरेंट ये भी खुला है, बस लगी हुई है। पोकला रेलवे क्रॉसिंग पहुँच गए हैं और अभी 10:02 हो रहा है। Much later. सिमडेगा पहुँच गए और अभी रात का 11:10 हो गया है, सब पे सो गए हैं पीछे। तो गाइस फाइनल में अपना रूम एंटर कर चुका हूँ और अभी बज रहे हैं रात के 12:15, लगभग 12 घंटा ड्राइव किया हूँ आज। शाबाश बेटा। और फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं अपने घर को, पूरी तरह से थक चुके हैं। हम लोग सही सलामत अपने घर पहुंच गए, वही काफ़ी है हमारे लिए। जल्दी से फ्रेश होता हूँ मैं और फिर रेस्ट करता हूँ। तो गाइस फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।